शिक्षा जिंदाबाद। मैम, हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से हैं। 2015 पे हम लोगों की पिछड़े जिलों की नियुक्ति हुई थी, तब यह जिले पिछड़े नहीं बने हुए थे और सरकार ने पिछले 7 वर्षों के दौरान 2 बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए, जिसमें हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। कुछ लोगों के ट्रांसफ़र 1 साल या 2 साल में ही हो जा रहे हैं अन्य जनपदों से, लेकिन हम लोग जो 8 जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं उनसे स्थानांतरण नहीं किए जा रहे। ये बोला जा रहा है कि जगह कम है और वहाँ टीचर नहीं है। मैम, इसके बीच में 2 बार लंबी भर्तियाँ भी की जा चुकी हैं, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के नियमों को ताक पर रख हम लोगों को ट्रांसफ़र रोका जा रहा है, जबकि इसका कोई निराधार और कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम लोगों को रोका जा सके। और यदि रोकना ही है तो बताएं कितने दिन रोकेंगे। हम 7 वर्षों से मजबूर हैं, महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा घर में रहता है, एक बच्चा महिला के साथ वहाँ रहता है, कार्यस्थली में रहता है। हम लोग खून के आंसू रोने को मजबूर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विपक्ष पक्ष दोनों विधायकों सांसदों सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर चुके हैं कि हम लोगों के स्थानांतरण करवाए जाएं। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। आखिर हम लोगों का क्या दोष है? जब हम नियुक्ति लिए थे इन जनपदों में तो वह आकांक्षी जनपद नहीं थे, ना कोई हमसे बांड भराया गया कि आप लोगों के स्थानांतरण कभी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आप सभी से निवेदन है सरकार तक बात पहुँचाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। और भी आगे बात कर लेते हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। महिला को भी करा दीजिए। हम लोग ये बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, जो कि 2015 से विभिन्न भर्तियों में 72,825, 69,068,500, 12,416, 16,000 विभिन्न भर्तियों में भर्तियाँ तो होती रही, लेकिन कुछ 8 जनपदों को आकांक्षी जनपद के तहत सरकार ने घोषित कर दिया, जबकि हम लोगों की भर्ती के समय ये सब सामान्य जनपदों की तरह ही थी। भर्ती भी सामान्य जनपदों की तरह ही हुई। बीच में सरकार ने एक नया नियम लाया कि आकांक्षी जनपद हैं ये, शैक्षिक मानक में पिछड़े हैं, इसलिए इनसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जबकि भारत सरकार की नीति आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उन जनपदों से मात्र 2 साल की बाध्यता थी कि जो जिस जनपद में कार्यरत हैं 2 साल तक वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होंगे। 2 साल के बाद ट्रांसफ़र कभी भी हो सकते हैं, ये नीति आयोग की गाइडलाइन में अभी भी मौजूद है। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नकारापन या कहिए कि उदासीन रवैये, भेदभावपूर्ण मनमाने रवैये के कारण आकांक्षी जनपदों से कोई भी स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। 2017 में एक बार ट्रांसफर हुआ, 2019 में आई दूसरी बार माननीय मंत्री जी ने कहा हमारे विभागी कि आप अगली बार, इस बार हो जाने दीजिए, अगली बार आप लोग सामान्य प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। लेकिन सरकार भी वही है पुरानी, सरकार भी पीठ भी लिखी, लेकिन अपनी मान लीजिए कि आप अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही है सरकार, जबकि उनको उन लोगों तमाम जनपदों में कार्यरत लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि बहुत लोगों का तो वैवाहिक जीवन तक खतरे में आ गया है। मैं खुद उनमें से एक तरह से पीड़ित हूँ कि उन पत्नी 400 किलोमीटर मैं 300 किलोमीटर, पिताजी अकेले, तो हम खुद लोग सुधी नहीं समझ पा रहे हैं कि नौकरी के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए नौकरी कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ इतना आग्रह है कि इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमको भी सामान्य जनपदों की तरह जो है स्थानांतरण में शामिल किया जाए। धन्यवाद। हम बेसिक शिक्षा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक हैं। हमारी मूल समस्या ये है कि 2015 में हम सब लोगों की नियुक्ति हुई, 2015 के बाद 2 बार ट्रांसफ़र आए और सामान्य जनपदों से स्थानांतरण कर दिए गए, जबकि वो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में थे, वो अपना मूल जनपद पा गए। लेकिन हम 700-800 किलोमीटर नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को ट्रांसफ़र नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि हम तो ये चाहते थे कि इससे पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, मीडिया में स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि अब की बार आकांक्षी जनपदों को विशेष लाभ देते हुए स्थानांतरण किए जाएंगे। लेकिन अब हमने सरकार को पूर्णतः सहयोग किया, बीजेपी गवर्नमेंट आई, हम चाहते थे कि ये सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी। दूसरे शिक्षा मंत्री बने संदीप जी, उन्होंने भी कई बार हमको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन से हमारा काम चलने वाला नहीं। हमें नीति इस तरह की चाहिए कि हमें पूर्णतः स्थानांतरण में शामिल किया जाए। अब विशेष तरह की समस्याएं, कई पति पत्नी तो बेचारे इसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं भी नियम नहीं है पूरे भारत में पति पत्नी को तो सरकारी सेवा में रहते हुए एक ही जगह पर स्थानांतरण करने का नियम है।
लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में पति पत्नी भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी बेचारे आकांक्षी जनपद में 700-800 किलोमीटर दूर पड़े हैं, बच्चे उनके कहीं पड़े हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हैं। भाई हमारे भी सामाजिक दायित्व हैं, हमारी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। अब पिछले स्थानांतरण में एक विशेष बात हुई थी, सैनिक पत्नियों को उनके गृह जनपद भेज दिया गया, जबकि बेसिक शिक्षा में ही कार्यरत पति पत्नी को एक जगह नहीं किया जा रहा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह की हमारी समस्याओं से अवगत होते हुए हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। धन्यवाद। Justice for personal district.